तो अब आपको क्या लगता है आपका भविष्य इसमें थिएटर में ही है और आपके बेटे ने भी शायद आपको ज्वाइन कर लिया है? नहीं, आई एम डूइंग फिल्म्स। अच्छा, मैंने आप हाल ही में मैंने फिल्म की थी द कश्मीर फाइल्स, उसके अंदर जय भाई जोरदार की। अभी मैं वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, दिल्ली फाइल्स कर रहा हूँ। मेरा एक धारावाहिक बहुत सुपरहिट चल रहा है सोनी सब पर, वंशज, वो चल रहा है। वंशज चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य थिएटर में ही रह गया है या फिल्में करेंगे? फिल्में करूंगा। और आपके बेटे सिद्धांत भी अब इसमें थिएटर में आ गए हैं, वो शायद इस प्ले में भी रोल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। क्या ये भविष्य जो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई सीमा नहीं है, आगे क्या भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। बट मैं फिल्म्स करता हूँ, टेलीविजन सीरीज करता हूँ, थिएटर करता हूँ, मैं हर चीज़, वाई नॉट। एंड सिद्धांत जो है मेरे सुपुत्र जो है वो, उन्होंने शुरुआत की थिएटर से। उन्होंने महाभारत में पहले उन्होंने जूनियर दुर्योधन का पात्र किया, तो तकरीबन 50-60 जो शोज थे एज जूनियर दुर्योधन किया। क्या बात। उसके बाद फिर हमें थिएटर में क्या होता है, हर कास्टिंग के लिए हर एक्टर हैज़ टू मेमोराइज 2-3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। मैं नहीं कर सकता बिकॉज एक आइकॉनिक द शो वॉज ऑन दुर्योधन, सो आई हैड टू प्ले दुर्योधन। बट मुझे सबके डायलॉग्स कंठस्थ याद थे। बिल्कुल बिल्कुल। सिखाना पड़ता है। तो हमारे किसी कारणवश जो हमारे जो कृष्ण बने थे उन्हें बाहर जाना पड़ा 2-3 महीने के लिए। अच्छा। तो मेरा भाई ये कृष्ण का पात्र कौन करेगा? फिर मैंने सिद्धांत से कहा भाई तुमने याद करता, मुझे याद है, तुम ट्राई करो। सही। देन ही डिड कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, तो वो बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिर जब जय श्री राम की बात आई तो मैंने कहा तुम क्या करना चाहोगे? तो पहले, आजकल के बच्चों का पता नहीं होता, डैड मेरे लिए तो सबसे मेरा प्रिय पात्र हनुमान है, मैं तो हनुमान करूंगा। एक एक्टर के लिए वांटेड टू एक्सप्लोर। मैंने कहा नहीं, एक काम करो, तुम राम ट्राई करो, दैट्स मोर डिफिकल्ट। प्रभु श्री राम का जो पात्र है उसका जो वर्चस्व और जो उसकी गरिमा है, जो सौम्यता चाहिए। अच्छा, क्या है कि लोग समझते हैं वो बिल्कुल एक सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन है, बट भगवान राम जो है, जो प्रभु राम थे, वो क्षत्रिय थे। ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। यस। और भगवान राम को भी गुस्सा आया था, ये कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो गुस्सा क्यों आया, वो कब आया, क्या बात है? तो वो चीजें हैं। तो मतलब इट इज नॉट वन डायमेंशनल नहीं है। प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर है इट इज नॉट वन डायमेंशनल कि एक जैसे ही बोलते रहेंगे। भाई वो धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं, वो मानव लीला रच रहे हैं, तो मनुष्य की जितनी जितनी इमोशंस है वो उससे गुजरे हैं, गुजरे हैं। यस। ही वाज, भगवान राम जो थे जब धरती पर मनुष्य बनकर आए, तो प्रभु श्री राम ने जब वो सीता का हरण हो जाता है तो बच्चों की तरह रोए हैं वो, बिलख बिलख कर। तो वो क्या है, अगर वो कौन नहीं हो तो वो सौम्य एक इमोशन में नहीं कर सकते। ही इज अ ह्यूमन बीइंग। वो तो पर गॉड्स हैं, वो एक जैसे रहेंगे। उतने क्या संकल्प विकल्प आत्मकम मनः, एक इमोशन, ना दुख में दुखी हो ना खुशी में। हाँ, हाँ, आप नो, व्हेन यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपके जो 9 रस हैं आपको जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं जब समुद्र पे जब वो सेतु बनाने का काम कर रहे थे तो समुद्र जो था उसका ज्वार कभी नहीं हो रहा था। एंड वो इतने उद्विग्न थे कि मुझे पहुंचना है वहां पे। तो एक जब आया टाइम तो उन्होंने तीर निकाल लिया था कि समुद्र देव, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर चुके हैं और आप मैं सुखा दूंगा पूरे ये समुद्र को। तो वो जो उनका वो द्वेष था उनका, तो ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है। तो ये भाई हमने एक सीरियल देखा, ओके एक कैरेक्टर ने, एक एक्टर ने इस तरह राम को किया, इनफ। नो, ये सब तो ये जो डेप्थ जो है राम की, उस हमारे प्ले में आपको सब देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी।